हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बिग बॉस के बाद सपना चौधरी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं कि उनके साथ हर कोई सेल्फी खिंचवाने के लिए बेचैन रहता है। हरियाणा की शान इन दिनों अभय देओल के साथ फिल्म नानू की जानू की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच सपना चौधरी को ऐसे ऑफर मिल रहे हैं जिससे उनकी पहचान ही बदल सकती है। पन्ना चौधरी का हरियाणा में काफी नाम है, यहां तक कि लोग उनके शो को देखने के लिए कोसों दूर से आते हैं। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि मशहूर डांसर सपना चौधरी को राजनीति में आने के ऑफर मिल रहे हैं। जब इस मामले पर सपना चौधरी से पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। सपना ने कहा, दश अप्रोच तो किया जा रहा है लेकिन अभी मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, देखेंगे आगे क्या होता है। इसके साथ ही सपना ने कहा, दश शो के बाद मैंने महसूस किया मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं चाहती थी सभी को पता चला कि यहाँ पर भी टैलेंट है। आपको बता दें, बिग बॉस के दौरान सपना चौधरी को काफी पसंद किया गया। हालांकि वे कुछ दिनों बाद ही घर से बेघर हो गई थीं। बाहर निकलते ही सपना ने अभय देओल के साथ फिल्म नानू की जानू साइन की। इस फिल्म को फराज हैदर डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म अप्रैल 2018 में रिलीज होगी।